हमारे साथ माननीय सांसद सर। सत्र चला, काफी समय चला, काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मांग करते रहे कि वो सदन में आके बोले। जब सदन में आके बोले तो लोग बायकॉट कर गए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सदन को, और आपने एज ए बिहार के सांसद होने के नाते आपने सदन में लगभग 27 मिनट आपने अपना स्पीच भी दिया, काफी ऐतिहासिक स्पीच था, कैसे देखते हैं सारी घटना को? एक्चुअली ऐसा है कि जो शीतकालीन सत्र था बहुत ही महत्वपूर्ण था, और मैं समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो सत्र था उसका फायदा देश की आवाम को नहीं मिल सका, क्योंकि विभिन्न पार्टी के सांसद आते हैं यहां पर अपनी जनता की आवाज रखने के लिए, उसके निदान के लिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश की जनता का पैसा होता है, एक एक दिन में लाखों लाख रुपया खर्च आता है, जनता का पैसा होता है, मगर उसकी भी परवाह नहीं की, और ये कहा जाए कि जनता की आवाज को दबाने का काम किया। इश्यू ये था कि मणिपुर की घटना दुखद है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपनी कड़ी संवेदना व्यक्त की है, चिंता जाहिर करने का काम किया, और देश भी उसके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री जी की चिंता के साथ। वो वहां की समस्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और अशांत वातावरण है। जो भी घटनाएं हुई इसकी निंदा जितनी की जाए वो कम होगा, और चाहते थे कि वो डिस्कशन हो विपक्ष के माध्यम से, ये मांग था। सरकार बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी, और उसके उत्तर देने के लिए भी माननीय गृहमंत्री, चूंकि कंसर्न था, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न होता है गृह मंत्रालय से, माननीय गृहमंत्री जी ने खुद से कहा कि मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, उसका जवाब भी देने का काम करूंगा। और यही नहीं, मैं समझता हूं कि पहले भी सारे विपक्ष के लोगों से खुद पहल करते हुए गृहमंत्री जी ने कहा कि ये गंभीर विषय है मणिपुर की घटना, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करिए। मगर विपक्ष बिल्कुल इसकी चिंता न करते हुए एक इशू बना करके कि प्रधानमंत्री आकर के सदन में वक्तव्य दें, इतिहास साक्षी रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में और मणिपुर में इस तरह की घटना पहले भी हुई है। ये तो गृहमंत्री क्या, कोई गृह का राज्य मंत्री भी बयान और वक्तव्य नहीं दिया, न कोई जाने का काम किया था, घटना पुरानी है, कोई नई घटना नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने तो आज तक कभी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, कभी इस पर कोई अपना वक्तव्य देने का काम नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट या हो कश्मीर की घटना हो। तो निश्चित तौर पर उनको ये मणिपुर की घटना, मणिपुर की जो परेशानी है उससे निजात लोगों को नहीं दिलाना है, उस पर राजनीति करना था, और राजनीति हुई, चर्चा भी हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, गृहमंत्री ने जवाब दिया। मगर यूं कहा जा सकता है कि विपक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण, हां विपक्ष ने कहा था चर्चा करेंगे, अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया, मगर देश की जनता सब देख रही है, जवाब के बाद वोटिंग में वोटिंग होना चाहिए था, मगर इनको इतनी बर्दाश्त नहीं हुई, और ये भाग्य वैसे गृहमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीजों पर विस्तार से जवाब देने का काम किया है। देश के सामने, देश की जनता ने जो मोदी जी की सरकार पर विश्वास लगातार 9 साल तक करते रहने का काम किया, मगर उसका हिसाब उन्होंने पूरे तौर पर दिया, मगर वो अंत तक नहीं रह पाए, क्योंकि उनको मणिपुर की अमन शांति बहाल हो इससे कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था राजनीति से। और जो धधक रहा है मणिपुर, जो आग निकल रहा है, उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का मूल रूप से विचार था, और उसने करने का काम किया। तो दुर्भाग्यपूर्ण थे, ऐसी सोच नहीं रहनी चाहिए। जब देश का कोई उस इशू उठे तो पक्ष और विपक्ष को मिलकर के समाधान करना चाहिए, और मणिपुर में अमन और शांति बहाल हो इसके लिए पहल करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने और गृहमंत्री जी ने वहां
शांति बहाल हो उसकी अपील भी किया है, लोगों से सरकार से बातचीत करने के लिए भी आग्रह किया है। वहां मणिपुर में जो आंदोलित लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं, उसका सलूशन निकालना चाहते हैं, वहां अमन भाई बहन सब में अमन चैन बहाल हो उसके लिए हर संभव प्रयास सरकार आज भी कर रही है। एक एक पल की जानकारी प्रधानमंत्री जी लेते हैं, गृहमंत्री जी लेते हैं और उसके अनुसार वहां काम करते हैं। हमारे गृह राज्य मंत्री लगातार कई दिनों तक वहां कैंप भी करने का काम किया है और हर चीज पर नजर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री जी का है। और विपक्ष राजनीति कर रही है, इसको देश बहुत बारीकी से देख रही है, इसका बदला देश की जनता जरूर लेने का काम करेगी। सदन हो या संवैधानिक संस्था, नीति आयोग हो या विभिन्न मंत्रालय, नीतीश जी खुद ही नीति आयोग नहीं पहुंचते हैं, पिछले बार भी नहीं आए, इस बार भी नहीं आए, चाहे ममता बनर्जी हो या विपक्ष के ज्यादातर लोगों ने नीति आयोग से दूरी बनाए रखा या अपने पदाधिकारी को भेजिए। जब जनता आपको जिता के भेजती है सदन हो या सदन आम जनता के काम के लिए, आप वहां जब पहुंचते नहीं है तो जनता की हित की बात क्या करेंगे। सदन में अपने किसी भी ऐसे चीजों को लेके वो नहीं मांग रखे जिससे बिजली पानी या आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सिर्फ शोर शराबा हुआ। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। विभिन्न राज्यों की सरकार और खासतौर पर बिहार और बंगाल की सरकार बिल्कुल दुराग्रह से प्रेरित है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। हर राज्यों को जो उनके हक थे, उनके जो डेवलपमेंट के लिए पैसे थे उसको लगातार दिया, चाहे बिहार हो बंगाल हो। और अभी बिहार के एक नेता ने कहा कि सरकार पैसा नहीं देती है, मैं चुनौती देना चाहता हूं, आए मेरे मंच से बात करें, सामने सामने बैठ करके बहस करें और मैं बता दूंगा कि भारत की सरकार ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए और दूसरी तरफ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए किसकी योजना में कितना पैसा दिया है। मैं ये भी कह सकता हूं कि बिहार का जो बजट का आकार है, बिहार का आजाद, उसमें 60% से अधिक पैसा केवल भारत सरकार का जाता है और मात्र 20-23% पैसा मात्र राज्य का लगता है। और कोई ऐसा काम आप जो देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, जिस चीज पर विकास का हाथ रखे, चाहे रोड पर, पुल पर, मकान पर, बिजली पर, यानी कई जो आयाम हैं, बच्चों के खाने पर, बच्चों के पढ़ाई पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, ये सब में भारत सरकार का पैसा है। अगर भारत सरकार पैसा एक दिन देना बंद करे तो ये भीख मांगेंगे, इनके कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसा नहीं रहा। तो झूठ की खेती करके नीतीश कुमार, इनके जो पार्टी के जो लोग हैं, जनता को दिग्भ्रमित नहीं करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर के आज बिहार ही नहीं देश को बहुत आगे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। और इतना मैं कह सकता हूं कि मोदी की सरकार पिछले जो 50 से 60 वर्ष में जिस समस्या का निदान नहीं कर सका, हर दिन ये मांग रहा होता रहा, बेसिक मांग, रोटी कपड़ा और मकान, जो मूलभूत समस्या थी, आज कोई भी पक्ष का लोग आप देख लीजिए पार्लियामेंट के पिछले 12-20 सेशन में कोई नहीं कहा कि रोटी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कहा है कपड़ा नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कहा कि हमको वो क्या बोलता है मकान नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कहेगा कि रोड नहीं मिल रहा है, कोई नहीं कहेगा कि बिजली नहीं मिल रहा है। ये मूलभूत कुछ समस्याएं थी, कोई नहीं कह रहा है कि हमको डेवलपमेंट से वंचित रखने का काम किया है। आज मोदी की सरकार पूरे देश के आवाम को, बिहार सहित पूरे देश के आवाम को, हर वो व्यवस्था करने का काम करी है जो मूलभूत समस्या था उसका निदान 9 साल में करने का काम की है। और कहीं आज नहीं लग रहा है कि हमको रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, इसलिए बेईमान जो विपक्ष में बैठे हुए घमंडी लोग हैं, घमंडिया लोग हैं, इनको बिहार की जनता सहित देश की जनता आने वाले वक्त में 2024 है जो सपना देख रहे हैं कि हम 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो पहले तो ये जो रावण के 10 सर वाले 10 नेता हैं, इन सब के सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो ये कहां से ये एक होंगे नहीं, और कोई जगह भी नहीं खाली है, क्योंकि 140 करोड़ जनता ने माननीय मोदी जी को पहले भी अपना नेता माना था,
प्रधानमंत्री माना था, एक बार नहीं दो बार भी, इस बार भी देश की जनता जो गरीब जनता है इसके लिए मोदी जी ने काम किया है, वो अपने दिल में बसाने का काम किया है, सबके तकलीफों को दूर किया है, सबके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है बिना भेदभाव के। और खासतौर पर देश का जो गरीब लोग है, जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है और समाज का पासमानदा लोग हैं, उन सब लोगों के लिए सरकार ने काम किया है मोदी की सरकार ने। और सब लोग जानते हैं कि ये जो ठग लोग हैं जो नाम बदल करके चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार किया, ये वही लोग हैं जो परिवारवाद किया, ये वही लोग हैं तुष्टिकरण की राजनीति किया और फिर वही काम करना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता इन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखी है, समझी है, इन लोगों को अब मौका नहीं देगी, क्योंकि मौका देकर के एक बार नहीं 50 साल से भी अधिक समय तक मौका दिया है, अब इन लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो हताशा में हैं, निराशा में हैं और बिना मेल के शादी कर रहे हैं। और जब बाढ़ आता है, आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है तो जितने तरह के जानवर होते हैं सब अपने जान बचाने के लिए कहीं पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कहीं ऊंची चीज पर चढ़ जाते हैं। तो मोदी का सुनामी है, बाढ़ नहीं है, सुनामी आ गया है। उस सुनामी के डर से जो मोदी जनता में जो प्रवेश कर गए हैं, उस मोदी का जो लहर है, उस लहर से बचने के लिए, उस बाढ़ से बचने के लिए ये लोग सब बिना विचारों के, बिना नीति के, बिना नेता के, ये सब लोग एक होकर के मोदी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो आप संतरा देखे हैं कि नहीं, जी संतरा जब देखते हैं तो लगता है कि सब एक है। और संतरा को जिस तरह से आप खोलने के बाद खोलने का काम करिएगा तो फांके फांक हो जाता है। तो यही ये जो घमंडिया लोग हैं जो कई पार्टियों के मेल से एक नया गिरोह बनाया है, इसको घमंडिया हम कह रहे हैं आज के दिन में, ये लोग उसी तरह से फांके फांक हैं। इसलिए चारों खाने चित कर देगी देश की जनता, बिहार की जनता, ये सब कहीं टिकने वाले नहीं है। पहले तो नेता ही नहीं कौन है, नेता ही चुनने के लिए मारामारी हो रहा है। आपने देखा होगा कांग्रेस के पार्टी ने कहा राहुल जी हमारे नेता हैं, जनता दल युग ने कहा ये जो सपना देख रहे हैं इन्होंने पहल किया था, भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना चेहरा चमकाने का मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती नीतीश जी कहां रहते भाई, जनता दल यू और नीतीश जी जो चमक रहे हैं ये किसके चमक से चमक रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चमक से चमक रहे हैं। तो इन सब लोगों को जवाब मिल जाएगा और सबको मुक्की खानी पड़ेगी। और कहीं भी कोई स्थान नहीं है, वैकेंसी नहीं है, 2024 में वैकेंसी नहीं है और आगे भी वैकेंसी नहीं रहने वाला है। इसलिए सब धाराशायी हो जाएंगे और हर रोज इनमें लड़ाई झगड़ा मारा पीटी अभी से शुरू हो गया है, अभी दिख नहीं रहा है पर अंदर में तूफान है, आने वाले वक्त में दिखेगा। और कहीं नहीं इनको देश की जनता मौका देगी। मोदी थे, मोदी हैं, मोदी रहेंगे, ये बिल्कुल तय कर लिया है जनता ने। सर, कलश यात्रा और घर घर तिरंगा यात्रा कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। आपने देखा होगा अमृतकाल जी अब हम चल रहा है, अमृत महोत्सव हो रहा है और 75 वर्ष की आजादी के बाद हर घर में तिरंगा जाए, देश के उन लोगों को सम्मान मिले जिन्होंने देश के आजादी के लिए शहादत किया था तिरंगा के लिए, उन महापुरुषों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिले। उस काम में हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गांव गांव घूम रही है, गांव की मिट्टी को ले रही है, गांव को पैदा होकर ले रही है। वो पहले जिला में आएगा, हेडक्वार्टर में आएगा और फिर दिल्ली में आने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता, चूंकि देश की जो मिट्टी है यही पवित्र मिट्टी है, इसी की अहमियत है। देश में जो हमारे पेड़ पौधा है इसका सब संकेत है एकता के लिए, भाईचारा के लिए, बंधुत्व के लिए, और उसी संकेत को हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी लगी है। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है 13, 14, 15 हर घर में जाइए, तिरंगा लहराइए और तिरंगा
तिरंगा हाथ में लेते ही एक ताकत बढ़ जाती है। जो बीमार आदमी भी है अगर हाथ में तिरंगा दे दीजिएगा तो उसमें आत्मबल, क्षमता, शक्ति और देश के प्रति एक जो जज्बा है वो सामने निखरती है, निकल के आती है। तो मैं समझता हूं कि इस तिरंगा यात्रा से देश को मजबूती मिलेगी, सद्भाव मिलेगा और उन पुरखों ने, जिन पुरखों ने अपनी आजादी के काल में अपनी जवानी दी थी, अपने आप को समर्पित भाव से जेल जाने का काम किया था, वो स्वतंत्रता सेनानी आज भी है। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है जब देश के आवाम लोग उनको याद करते हैं। तो एक काम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और ये कार्यक्रम चल रहा है हम लोग। एक लास्ट छोटा सा, बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, आपने सदन में अपने स्पीच में भी उस बातों को रखा है। हर दिन आज हम बैठे हैं, आज के डेट में भी गोली मारने से रिलेटेड, लूट से रिलेटेड, धमकी, उगाही, देखिए स्थिति बदल गई। अब एक साल से ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था तो ये कह सकते हैं कि अमन चैल था, विकास हो रहा था, न अभी कोई विकास हो रहा है, अभी तो केवल लूट हो रहा है। ये जो वहां की सरकार है आपने देखा नहीं जी, कि एक डिपार्टमेंट का जितना स्थानांतरण हुआ था वो सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संचिका बुला करके खत्म कर दिया, रोक दिया। और मैं समझता हूं कि उनको तो सब विभाग का समीक्षा करना चाहिए था, तो भ्रष्टाचार के पूरे तौर पर हावी हो गया है, शासन पर, सत्ता पर अफसरशाही हावी हो गया है, कहीं कोई आम आदमी का सुनने वाला नहीं है। और पैसा के बगैर तो आप एक कदम भी बिहार में चल ही नहीं सकते हैं। जितने भी कुछ काम हो रहे हैं वो सब पैसे के आधार पर, क्योंकि पोस्टिंग हो रही है पैसा लेकर, जितने अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है फिक्स है, इतना पैसा दीजिए पोस्टिंग करा लीजिए, चाहे नीचे का अधिकारी हो ऊपर का अधिकारी हो, नीचे से ऊपर तक का जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है वो करप्शन से डूबा हुआ है। सब कहता है नीचे जीव में वीडियो के यहां जाइएगा, सीओ के यहां जाइएगा और नीचे के जो अधिकारी के यहां जाइएगा, हमको ऊपर देना है। तो लेगा तब ना देगा भाई, तो लेन देन का जो काम है यही हो रहा है। अब मैं चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी में थाने में चले जाइए और किसी भी अंचल में चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसे का अगर काम हो जाए तो आप हमसे पूछकर आइएगा, पूछ लीजिएगा रामकृपाल जी आप गलत बोल रहे हैं, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि राजधानी में एक ऑफिशियल बोल रहे हैं, उनके डीजीपी ने कहा कि 30 दिन में 30 हत्या हुई है, राजधानी पटना की बात बोल रहा हूं जी। डकैती, चोरी, लूट, अपहरण सब कुछ हो रहा है, महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है। आप जाइए वहां क्या हाल है, जब जा रहा है इतना मनोबल बढ़ गया है कि एक दलित परिवार का लोग दरभंगा में एक आदमी का डेथ हो गया, 100 लेके जा रहा था तो 100 को रुकवा करके गिरा करके उस पर पेशाब करने का काम किया, पूरा देश संसार हो रहा है भाई। बेगूसराय में एक महिला को नंगा नृत्य करके नंगा नचाने का काम किया, बलात्कार करने का काम किया, और एक नहीं अनेकों कितना एग्जाम्पल दे कम होगा, जो कुछ भी बोलेंगे कम होगा। सब लोगों में भय व्याप्त हो गया है, डर व्याप्त हो गया है, अपने घर से शाम के बाद माँ बहन को निकलने नहीं दे रहे हैं वहां के लोग कि जाएंगे तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये स्थिति हो गई है। कटिहार में सब लोग जानता है, एक साथ न जाने एक समुदाय के लोग, जो पिछड़ा समुदाय का लोग है, एक साथ काट कर रखने का काम किया, कोई देखने वाला नहीं है कब किसका मर्डर हो जाएगा, कब कितना हत्या हो जाएगा, कब किसका अपहरण हो जाएगा, कहां कौन घर में डकैती हो जाएगा। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, डर का भाव है, भयानक स्थिति हो गई है, सहमे हुए लोग हैं, किसी का जीवन इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये हालात में है। वहां अफसर सब क्या कह रहा है, अब कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी गई बिहार की जनता के इशू लेकर के तो लाठी खाई, गोली खाई, हमारा कार्यकर्ता मर गया, कितना का सर फूट गया, सांसद को भी नहीं छोड़ा, विधायक को भी नहीं छोड़ा। मैं उस कार्यक्रम में था, क्या कसूर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, कोई ढेला ढक्कर नहीं किया, कोई बाइट दिखावे, मगर उस शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस जा रहा हो, लोकतंत्र में
सब लोगों को अधिकार प्राप्त है कि सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए आप प्रदर्शन करिए, उस प्रदर्शन पर भी लाठीचार्ज। हमारा कार्यकर्ता विजय मर गया जहानाबाद का थे, अनजाने कितने लोगों की माथा फट गई, विधायक का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सांसद का हाथ पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सब पर झूठा मुकदमा डालने का काम किया, हम पर भी मुकदमा डाल दिया, सब हमारे नेताओं पर झूठा मुकदमा डालने का काम किया। तो ये हालात वो स्थिति इमरजेंसी वाली स्थिति हो गई, उससे भी कहिए जो अंग्रेजों का राज था ना उससे भी खराब स्थिति हो गई है। जो भी गया नीतीश कुमार के राज में जो भी गया, चाहे शिक्षक गया मार खाया, विद्यार्थी गया मार खाया, आशा का कार्यकर्ता गया मार खाया, रसोईया वाली महिला गई मार खाया, जो लोग आंदोलन करने गया बिना कोई मार खाए नहीं आया और सब पर मुकदमा चल रहा है। अब इनकी इनका जो वो लॉ एंड ऑर्डर खराब है वो दो ही काम देख रहा है।